इस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। होस्टिंग और डोमेन को किस तरह आपस में लिंक करना है और डोमेन किस तरह ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग ब्राउज़र ऑन करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नेमचीप का आप लोग लॉगिन ओपन करें। ये देखें मेरे पास लॉगिन आ गया। और यहाँ पे आप आके अपना अकाउंट ओपन करेंगे और उसके बाद डायरेक्टली आप डोमेन लिस्ट के अंदर जाएंगे। डोमेन लिस्ट में जाने के बाद आपके यहाँ पे ये जो डोमेन है ये आप चेक कर सकते हैं। इसके बिल्कुल सामने मैनेज लिखा हुआ है, ये आप मैनेज पे क्लिक करेंगे। मैनेज पे क्लिक करने के बाद आप लोग नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे आप लोगों को ये वाला ऑप्शन नेमचीप बेसिक डीएनएस मिलेगा। आपने इसको चेंज करके कस्टम डीएनएस करना है। और ये जो नीचे आपने यहाँ पे नेम सर्वर्स डालने हैं जो आपको होस्टिंग वाला प्रोवाइड करेगा, आप चेक कर सकते हैं। ये दो हैं, यहाँ से कॉपी करके डायरेक्ट यहाँ पे आपने डालने हैं और बिल्कुल सामने आके टिक पे क्लिक कर देने हैं। यह सेव हो गया। बाकी यहाँ नीचे आपने कुछ भी नहीं करना। फिर आपने वापस जाना है यहाँ पे और आपको होस्टिंग वाले ने सी पैनल जो प्रोवाइड किए हुए आप सी पैनल ओपन करेंगे। यहाँ से कॉपी और देन पेस्ट, यहाँ पे सी पैनल ओपन हो जाए। ये यहाँ पे जो यूज़र नेम और पासवर्ड है आपको बताता चलो, ये आपको भी प्रोवाइड किया हुआ है। ये ऊपर देख रहे हैं डोमेन और नीचे ये पासवर्ड, ये दोनों चीज़ें ये देख रहे हैं, यूज़र नेम ये पासवर्ड, यही उठा के यहाँ पे कॉपी करेंगे ठीक। और देन लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद आपके पास ये वाला पेज शो होगा। इस पेज पे आने के बाद आपने सबसे पहला काम आपने डोमेन ऐड करनी है। ये देखें ऐड डोमेन लिखा हुआ है। हम लोग के पास दो डोमेन्स देखें, ये दो की इजाज़त होती है, दो डोमेन ऐड कर सकते हैं। इस वक्त कोई भी नहीं ऐड हुई। ये ऐड डोमेन पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ जो आपको डोमेन नेम मांगे, आपकी डोमेन नेम कौन सी है वो मैं आपको बताता चलूँ। ये आपकी डोमेन नेम ये आ गई, ये इसको आप कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर दें। आप पेस्ट करेंगे, ये नीचे ऑटोमेटिकली पेस्ट हो जाएगी ठीक है। नीचे आप ऐड डोमेन पे क्लिक करें, यहाँ पे अब ऐड हो जाए। थोड़ा सा नेट का इश्यू है, स्लो है। यहाँ पे अभी ये डोमेन ऐड हो जाए तो फिर हम वर्डप्रेस ऐड करते हैं। ये देखें डोमेन ऐड हो चुकी है इस बार। तो अब हम वापस जाते हैं पीछे, इंटरनेट इशू है थोड़ा सा। देखें डोमेन ऐड हो चुकी है, पहले दो थी की इजाज़त थी और यहाँ 0/2 था, अब 1/2 आ गई, यानी एक डोमेन हम लोगों के पास ऐड हो चुकी है। अब हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस ये नीचे आएंगे, स्क्रॉल डाउन करें, ये देखें स्क्रिप्ट्स के नीचे लिखा हुआ है सबसे पहले वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के ऊपर हम क्लिक करेंगे और ये हमें इंस्टॉल का ऑप्शन दिया हुआ है। इंस्टॉल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो हम लोगों के पास ये देखें domicile.com आ गया। हम लोगों ने अपनी डोमेन भी जाना है, ये अपनी डोमेन आ गई जो हम लोगों WP को ख़त्म करना है। और हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ साइड नेम आप कोई भी रख सकते हैं, अपना नाम रख लें जैसे मैं रख रहा हूँ ठीक हो गया। नीचे यहाँ पे आप लोग डिस्क्रिप्शन देंगे, डिस्क्रिप्शन वो होती है जो आप अपनी वेबसाइट के मुतालिक देते हैं। आप लोग किस हिसाब से बना रहे हैं, उसमें क्या चीज़ डालेंगे, थोड़ी सी जैसे आप यूट्यूब के चैनल के लिए डिस्क्रिप्शन लिखते हैं वीडियो के मुतालिक, उसी तरह यहाँ हम लोग को वेबसाइट के मुतालिक कुछ ना कुछ लिखना होगा। तो यहाँ जैसे हम लोग जनरल ब्लॉग बना रहे हैं तो उसके लिए
कोई इंफॉर्मेशन ब्लॉग तो हम उसके लिए या जनरल ब्लॉग भी लिख लेते हैं, लेकिन इट्स जनरल ब्लॉग। फिर हम लोग नीचे आते हैं, ये एडमिन यूज़र नेम मांगा हुआ है, फिर एडमिन पासवर्ड। तो यूज़र नेम हम एडमिन ही रहने देते हैं और पासवर्ड हम लोग कोई भी जनरल रख लेते हैं, जिस तरह मैं अपना नाम ही रख लेता हूँ यहाँ पे। और ये नीचे एडमिन ईमेल ऑटोमेटिकली इसने दिया हुआ है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों को यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना, डायरेक्ट नीचे आना है। नीचे आने के बाद हम लोग ये देखें, हम लोगों को मैं कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये हम लोग के पास ऑप्शंस हैं, हम लोग इनमें से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट वाले में प्रेफरेंस करूँगा, यहाँ पे मैं कुछ भी इसको एजुकेशन वाला है ये सिलेक्ट की। देन हम लोग इसे इंस्टॉल करते हैं, 3 to 4 मिनट का इसने टाइम मांगे। लेट्स सी ये इंस्टॉल हो जाए, ठीक। ये इस वक्त इंस्टॉल हो चुकी है, ये मैं अपने ये आप लोगों को पास जब शुरू में करेंगे तो 48 घंटे का टाइम मांगेगा, लेकिन 2 से 3 घंटे के अंदर ये आप लोगों का DNS वेरीफाई हो जाएगी। और ये मैंने रात को की थी तो वेरीफाई होगी, ये मेरी इस वक्त देख सकते हैं। ये मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो चेक करें, और इस पे भी क्लिक कर लेते हैं। ये देखें, मेरी DNS इस वक्त ओपन हो चुकी है, मेरा कोई इशू नहीं आ रहा। ये भी देखें, ये देखें मैंने ये वाला वो चुना था वहाँ पे वेबसाइट का थीम वगैरह, तो ये हमारा एक सैम्पल पेज वेबसाइट बन चुकी है। तो इतनी मुश्किल नहीं है, अभी आप लोगों को मैं आगे वो बता रहा हूँ। इसको अगर आप लोगों ने चेंज करना हो या डिलीट करना हो डोमेन, और डोमेन को और वर्डप्रेस को, तो वो किस तरह करते हैं, तो उसकी तरफ चलते हैं।